सो गाइस, आप मार्केट में देखते होंगे कंप्लीट ज्वेलरी चमकता खिलखिलाता हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या होता है आपको कोई आइडिया नहीं। तो आज सईद बंगाली आपको दिखाएगा ये काला गोल्ड चमकदार कैसे बनता है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, फटाफट से मैं काम चालू करता हूँ, आप देखना क्या होता है इसके पीछे। सबसे पहले इसमें मीना होगा। मीने के लिए इसमें येलो, वाइट, रेड, ये कांच का मीना होता है इसमें। अब देखिए मीना कैसा होता है, पूरा सिस्टम हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसमें कंप्लीट मीना हुआ है, अब इसमें फिनिशिंग करेंगे हम। फिनिशिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप पूछोगे ये क्या है भैया, ये एसिड है, इसके बिना गोल्ड में फिनिशिंग आएगा ही नहीं। इसको सुहा करना जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये करना बहुत जरूरी है। काम करते करते इसका पानी बहुत गर्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से इस पर हाथ डालना पड़ता है। हमारे जो कारीगर है बड़े परेशान है, कैसे इसको सामान को निकालें। भाई साहब आप कोशिश करिए, भाई साहब, भाई साहब ये तो फेल हो गया। छोटे भाई साहब आपने कहा ना, भाई साहब प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, भाई साहब निकालो, भाई साहब यार कोई तो निकालो भाई, ऐसा क्यों डरते हो उससे, ऐसा क्या है इसमें। इसमें डरने का कारण ये है भाई साहब, ये घूमता घूमता इसका जो पैनल हो गया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें हाथ डालने से हाथ जलने की पूरी पूरी संभावना होती है, इसलिए कोई भी कारीगर इसमें हाथ नहीं डालता, हम डालेंगे क्योंकि हम सेठ जी हैं, इसलिए हमको डालना ही पड़ेगा। ये रहा क्या हुआ, मिल गया, इसको मैग्नेट बोलते हैं। अब इसका चमक को देखो, मानते हो। चलो आगे का काम जारी रखते हैं, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहना है, कहीं चला मत जाना भैया, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो, धन्यवाद। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो करना है ही है, इसके बिना तो ज्वेलरी में कोई मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, इसका पूरा ऑपरेशन यही होता है। ये जो काम करने वाला डॉक्टर से कम नहीं है, एक सर्जिकल डॉक्टर जो होता है ना उसके बराबर का होता है ये कारीगर यहाँ का नहीं है, बहुत दूर का है। आपको क्या लगता है ये कारीगर कहाँ का होगा, कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार के घरवाली होती है ना, वो गले में जो ज्वेलरी पहनती है, पूरा काम हमारे यहाँ से हो जाता है। ये क्या है भाई साहब, इससे क्या होता है,
रहा है। अच्छा इससे फर्स्ट ही करोगे आप ना, ये बहुत जरूरी है क्लब से। बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा झगड़ा चाहिए इस काम को करने के लिए। इस केमिकल के पानी में डूब चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली यह जीपीसी है, मतलब सोने का पानी, शुद्ध हिंदी में सोने का पानी, इसमें सोने का पानी चल रहा है। अब इसके बाद लास्ट का काम है, ऐसे का छौंका जरूर लगाना पड़ेगा, इसके बिना तो ये उधर आ ही जाएगा। शुरुआत हमने यहाँ से की थी, लास्ट में यहीं पे खत्म होगा। ये 500 डिग्री पे गर्म होना चाहिए, कुछ पकड़ ही लगेगा ना छौंका का, वो फूस आएगा। चलो हमारा 90% काम तो हो गया, हमने सिर्फ 10% काम और बाकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इस काम का, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पानी है, पानी में फैलाना जरूरी है, जो एसिड था इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। सॉरी नमक का पानी है इसमें, नमक क्या है, एसिड को ख़त्म करती है, इसलिए हर ज्वेलरी का जो भी फिनिशिंग का काम करता है तो नमक के पानी में उबाल कर रुक जाता है, ये जरूरी है। इतना बारीक से कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सही बंदे आपको बता रहा है। भाई साहब लियाओ लियाओ भैया लियाओ, देखो भाई साहब हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया, कितना अच्छा फिनिशिंग आया इसमें, किसका कलर देखो पूरा 22 कैरेट गोल्ड HYT गोल्ड मार्क। इसका सबसे लास्ट काम बाकी, इस चीज़ में आपको क्या कमी लग रहा है, वो 10% वही है क्या, इसमें वो शाइनिंग नहीं आ रहा, कलर तो इसमें फर्स्ट क्लास आ रहा है, इसमें जो चमक होती है ना कटिंग की, वो नहीं हो रहा, वो काम बाकी है, वो हमारे ये वाला भाई साहब करेंगे, ये कटिंग का एक्सपर्ट है, इसका नाम है जफर खान, बहुत ऊँचा कार्यकारी है ये। भाई साहब छोटे मोटे काम करते नहीं है, इनको बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई साहब इसको प्लीज़ कटिंग कर दो भाई साहब, हमारा कस्टमर बैठा हुआ भी जाने वाला है, इसको जल्दी कटिंग कर दो भाई साहब, 2 मिनट लगेगा भाई साहब, ये नेक नेक से बात नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए बड़े प्यार से करना पड़ता है इसको। भाई साहब प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अब क्या कर रहे हो भाई साहब, इस तरीके से कटिंग करते हैं, कोई नहीं हम तो हमारा काम कराएंगे भाई साहब।